दोस्तों, क्या आप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो? गूगल यूट्यूब में सर्च करने के बाद आपको मालूम चला है सॉफ्टवेयर तो है बहुत सारा, वहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा या फिर आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, आप दोनों ही नहीं चाहते हो। मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, वाटरमार्क नहीं देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग वहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा, एनिमेशन मिलेगा, बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे मान लो मास्किंग कलर को एडजस्ट कर सकते हो, सबटाइटल्स भी लगा सकते हो, ट्रांजेक्शन होता है वो भी तगड़ा वाला है, या फिर वीडियो इफेक्ट जो होता है वो भी बढ़िया है। लेकिन इसमें एक कमियाँ है जो शायद सभी के लिए कमियाँ नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आप यहाँ पर प्रोजेक्ट देख सकते हो जिनके ऊपर आप काम करोगे, वो यहाँ पर सेव होता रहेगा और यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। ये जो पोर्शन है ये मीडिया का है, ये प्लेयर का है, ये एडजस्टमेंट का है और ये हमारा टाइमलाइन है। तो यहाँ से आप आपका जो वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया या फिर फोटोज़ हो गया, उन सभी को आप इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑडियो का सेक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट के अंदर बहुत सारा आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अपना मनपसंद ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर टिक सेक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, इसके अंदर कोई भी आपको एनिमेशन हो गया या फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर अगर आप इफेक्ट के अंदर जाओगे तो टेक्स्ट का बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का टेम्पलेट्स देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑटो कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से अपना जो लैंग्वेज है उसको आप सिलेक्ट करके ऑटो कैप्शन जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पर लोकल कैप्शन को आप, मतलब अगर आपने कैप्शन क्रिएट करके रखा है तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके काम कर सकते हो। अभी अगर हम स्टिकर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा स्टिकर हमको देखने को मिल जाएगा जो आप चाहो तो अपना वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ेक्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दोनों तरह का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। एक है वीडियो इफ़ेक्ट जहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे मान लो ये एक इफ़ेक्ट है और दूसरी चीज़ है बॉडी इफ़ेक्ट, मतलब ऐसा कुछ इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी अगर हम ट्रांजेक्शन के अंदर जाते हैं तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा है, आप थोड़ा अगर यहाँ पर टाइम दोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फ़िल्टर के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा हमको फ़िल्टर भी देखने को मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत सारा चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। अगर हम इसको टाइमलाइन के अंदर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर के अंदर भी ये शो हो रहा है। अच्छा देखो, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एडजस्टमेंट टैब जो है उसके अंदर बहुत सारा चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप बेसिक के अंदर आप स्केल कर सकते हो। बाय द वे, ये जो स्केल है या फिर पोजीशन है, रोटेशन है, इन सभी को आप की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। अगर आपको की फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता है तो गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप कटआउट बना सकते हो, क्रोमा की या फिर ऑटो कटआउट, ये सभी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप मास्किंग कर सकते हो और वीडियो के अंदर आपको इन्हेंस कर सकते हो। ऑडियो के अंदर आप बेसिक सा काम कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम हो गया, फेड इन फेड आउट हो गया, या फिर नॉइज रिडक्शन हो गया, या फिर वॉइस इफेक्ट हो गया, इन सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीड के अंदर आप नॉर्मली स्पीड को कर सकते हो कम ज़्यादा, या फिर आप ये जो कर्व है स्पीड मोशन होता है, मान लो मैं इसके अंदर थोड़ा कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने ये मॉन्टेज वाला जो सीन है इसको यहाँ पर लगाया है तो वीडियो कैसा बन रहा है। अभी देखो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर आप अपना वीडियो का जो रेशियो है उसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है, यहाँ से आप अपना ये जो आपका कैनवास है इसको जूम इन जूम आउट करके आप एडिट कर सकते हो। और अभी चले जाते हैं एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन के अंदर आपको बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिल जाता है, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, और उसके साथ कॉम्बो एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ट्रैक भी कर सकते हो,
मान लो आप अपना यहाँ पर फेस को ट्रैक करना चाहते हो, तो ये अपना फेस को ट्रैक करते रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको एडजस्टमेंट टैग देखने को मिल जाता है, जहाँ के अंदर आप अपना वीडियो का जो कलर है वो सारे चीज़ को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा आप गूगल में देखोगे तो इनके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से आसानी से इसको सीख पाओगे। अभी बात आता है, क्या एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें कोई वाटरमार्क आता है कि नहीं, तो चलो हम आपको एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर लेना, फिर यहाँ पर आप जो सारी चीज़ है उसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर आप फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर लेना, फ्रेम रेट को भी सिलेक्ट करना, और यहाँ से आप अपना वीडियो का जो टाइटल है उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। और यहाँ से कहाँ पर आपको ये जो फाइल है एक्सपोर्ट करवाना है उस जगह को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है और कंप्लीट भी हो चुका है। और अभी हम इसको फोल्डर के अंदर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो तो बढ़िया बना है और इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अभी हम नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका दो नेगेटिव पॉइंट मेरे को देखने को मिला है। पहला वन है कि हमारा जो कंप्यूटर है इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाके इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट के बिना इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट्स है या फिर जो जो चीज़ है इन सभी को अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हो तब भी इसको नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। फिर आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, कोई ना कोई इसका जुगाड़ दिखाई देगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये देखो, सॉफ्टवेयर जो है ना नया नया है, इसलिए इसका अभी बोल सकते हो फ्री में देकर ये चेक करा है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है कैसा है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत बाग आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो आप टाइमलाइन के अंदर आपको वीडियो को इंपोर्ट किया है, प्ले कर रहे हो, प्ले नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर को क्लोज करो फिर से ऑन करके चलाओ तब हो जाता है। ऐसा छोटा मोटा बाग आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, फ्री में जितना सारा चीज़ मिल रहा है बढ़िया है, तो जितने दिन तक फ्री है इस्तेमाल कर लो भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सपोर्ट के लिए लाइक कर देना।